कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज है मेरा वैक्सीनेशन डेट। डेट कल ही का था, 9th का। आज 10th को है, तो 9th को हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, तो आज हम लोग आए हैं दूसरे दिन 10th को। तो कल शाम को हम लोग गए थे बुर्ज खलीफा शो देखने। आप लोगों ने वो वीडियो देखी कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज हम लोगों का जो क्या बोलते हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़, मेरा प्रेगनेंसी निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, वो भी लेके आए हैं। क्योंकि पता नहीं ये लोग फिर से वापस कर दें कि निगेटिव रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि पहली बार जब चाहिए था दूसरी बार भी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने किसी किसी से पता किया तो पता चला कि दोनों बार ही चाहिए इनको। और सेहा वालों का ये है ना, बाकी कई जगह बहुत सारे चीज़ें अलग अलग हैं, नियम कानून अलग अलग। सेहा में चाहिए, बाकी नहीं चाहिए ना। फाइजर जो लगा रहे हैं वहाँ पे नहीं चाहिए ना। और पता नहीं कौन क्या कैसे किस सेंटर पे हो रहा है, लेकिन हमारे सेंटर पे ये अल खवानीज स्क्रीनिंग सेंटर है, इस पे तो चाहिए। मतलब लेडी जो है 40 से कम है अभी, तो उसका प्रेगनेंसी निगेटिव रिपोर्ट चाहिए वैक्सीनेशन से पहले, और वो भी 24 आवर का उन्होंने बोला। तो बस वही लेके आ गए हम लोग कि हम लोग बस आज वैक्सीन लगा ही लें, देखते आगे कैसा होता है। फरारी जो है ट्रॉली पे लद के जा रही है, इसको क्या हो गया, बुखार आ गया क्या बाबू? हाँ। तो कर रहे हैं इसको। यहाँ पे फरारी जैसे लगता है इंडिया में एल्टो है। यस, इस तरफ से निकलो, यहाँ पे कॉमन है। आगे से देखें इसकी डिजाइन कैसी है, ओपन तो सारी होती है ना ऊपर से। वे अच्छा है, वे ये देखो, वे अच्छा है। हमारी फरारी बीमार हो गई है क्या? भाई राजशाही तो बहुत है ये एरिया में, जब से आ रहे हैं ना ये वैक्सीनेशन के लिए दिमाग चकरा जाता है, इतने बड़े बड़े घर हैं। खवानीज में तो मुझे लग रहा है कि इससे बड़े घर दुनिया में कहीं नहीं होंगे ना। यस, इतना बड़ा बड़ा बाउंड्री है, उसके बाद घर हैं, पूरा बंगला बोलो क्या बोलो, पूरा एक एक गाँव एक एक बाउंड्री के अंदर है। हम लोगों का तो इतना बड़ा बड़ा गाँव भी नहीं है भाई। प्रेगनेंसी रिपोर्ट तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे माला जप रहे हैं यहाँ पे। उसके बिना कोई काम ही नहीं होगा। लेडी हो तो प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट दे दो, तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो मतलब पता नहीं, और सेंटर्स पे ऐसा नहीं है शायद। ये देखिए यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं और डॉक्टर कहाँ पे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वहाँ से वो कनेक्ट है फोन, क्या है फोन है कि क्या है, माइक्रोफोन है। तो यहाँ से ये बात कर रहे हैं बैठे बैठे इधर से। हाँ भाई, आज तो इंक्वायरी कुछ ज्यादा ही हो रही है ना? आज प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट मतलब कि जो भी दुबई में है बहुत ज्यादा जरूरी है लाना। और ये रोज डॉक्टर जो चेंज होते हैं, नर्स चेंज होती हैं, तो मुझे लगता है सबका काम करने का तरीका भी अलग होता है। आज बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, मतलब खोज भी हो रही है। यहाँ पहली बार यही लगवाए थे कि नहीं, पता नहीं क्या क्या इन परसों ये नहीं पूछे थे ना, 7th को ये आए थे, तो इतना कुछ इंक्वायरी नहीं। सेकेंड डोज लगा, बस हो गया, मतलब सेकेंड डोज लगा। लेडी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है कि उनको मेक श्योर। कैसा लग रहा है आपको आज आपके सेकेंड डोज लेने के लिए आए हो? आज कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको देख के, दोबारा जब आप लगवा लिए थे, आपको भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई ना? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सेकंड लाइक दैट लाइक दिस एनी साइंस ऑफ फीवर का? नहीं, डर लग रहा है? नहीं यार, आज क्यों डर लगेगा? तो दिस योर सेकंड डोज सर। या ओके, वी विल डू बिफोर यू डू राइट, सो नाउ वी विल डू द लेफ्ट साइड। ओके, देयर वी गो एंड देन होल्ड इट। हमारा सेकेंड डोज आज हो चुका है और अच्छा लग रहा है, देखते हैं आगे। आगे तो हम लोगों को सिम्टम आते नहीं है, इनका दोनों हो गया है, मेरा भी। अभी आज दूसरे का पहला दिन है, मतलब अभी लगवा के आए हैं, तो
रोक दोगे गाड़ी, वीडियो का यहीं पे इन कर देते हैं ना। तो इसको छोटा सा रखते हैं, प्यारा सा वीडियो रहता है तो सब लोग देखते हैं, नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं आपकी वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती है। इनको जैसे सेकंड डोज लगा ना 7th को, आज 10th है मेरा लगा सेकंड डोज, तो इनको कोई मतलब पता नहीं चला अभी तक, हमें कोई भी साइन नहीं है, मुझे भी नहीं है, सब कुछ लग रहा है कोई पता नहीं चलेगा। सिनोफार्मा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग आज लगवा के मतलब वो पार हो गए, अभी कितने दिन के लिए क्या है, 1 महीने 6 महीने साल भर के लिए सेफ हुए हैं वो सब नहीं पता है, लेकिन हम लोगों का वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था वो खत्म हो गया। कैसा लग रहा है, 4 बार हम लोग इस सेंटर पे आ चुके हैं। कैसा लगा ये वीडियो, मेरे एक्सपीरियंस कैसे लगे आपको, समझ में आ रहे हैं कौन सी कंट्री से आप देख रहे हैं सिनोफार्मा लगवा रहे हैं, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। और कोविड वैक्सीनेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में प्रॉपर ब्लॉग के साथ, और इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। हाँ बच्चों, यस बच्चों को लेके चलते हैं ना, बच्चे क्या है यहाँ पे किसके पास छोड़ेंगे, यहाँ पे कौन से दादा दादी नाना नानी है, तो साथ में ही बेचारे घूमते रहते हैं और देखो बोर हो जाते हैं बच्चे ना, जो ही है जो हाँ, है हम ही लोग हैं, चाहे दादा दादी बोलो चाहे पापा तो बच्चों को कुछ ट्रीट देते हैं। अभी टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, 3:30 हो रहा है, तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय।